वर्ल्ड कप मुकाबले से पहले बांग्लादेश के कप्तान ने भारत को किया चैलेंज, भारत वर्ल्ड कप जीतने आया है हम नहीं। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2022 मुकाबला 2 नवंबर को खेला जाएगा। दोनों टीमें एडलिट मैदान में आमने सामने होंगी। ऐसे में मैच से पहले ही दोनों टीमों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अगर इस टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो टीम इंडिया का ये चौथा मुकाबला है। भारत ने अभी तक सुपर 12 स्टेज में पाकिस्तान, नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका का सामना किया है। टीम इंडिया ने पाकिस्तान, नीदरलैंड को हराया है, जबकि साउथ अफ्रीका से उसे मात मिली है। वहीं बांग्लादेश ने भी अभी इस वर्ल्ड कप में 3 मैचेस खेले हैं और 2 में उसे जीत हासिल हुई है। बांग्लादेश ने नीदरलैंड और जिम्बाब्वे को हराया है, जबकि साउथ अफ्रीका से उसे भी हार झेलनी पड़ी है। अब बांग्लादेश का अगला मुकाबला भारत के साथ 2 नवंबर को होगा और इससे पहले बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने भारत को चेतावनी दी है। शाकिब अल हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत यहां पर वर्ल्ड कप जीतने के इरादे से आया है और हम यहां इस इरादे से बिल्कुल नहीं आए। ऐसे में अगर हम भारत को हरा देते हैं तो यह एक बड़ा उलटफेर होगा और इसीलिए हमारा पूरा फोकस उलटफेर पर ही है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश किसी वर्ल्ड कप में भारत के लिए खतरे की घंटी बन रहा होगा। 2007 के वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को बाहर करने में बांग्लादेश का ही सबसे बड़ा हाथ था। दोस्तों, 2 नवंबर को होने वाले भारत बांग्लादेश मुकाबले में कौन बनेगा विजेता, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।